हेलो गाइस, हाय एवरीवन, आई होप आप लोग सब अच्छे हो। सो बच्चों, द थिंग इज़ दैट कि सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो लेक्चर आई वी लाइक टू से कि जो लोग ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है, प्लीज़ गो एंड फर्स्ट वॉच दैट वीडियो, उसके बाद आप लोग ये देखो, वरना दोनों लेक्चर्स को रिलेटेड है, दे आर कनेक्टेड। सो इफ़ यू आर नॉट वॉचिंग दैट वीडियो, ये आपको नहीं समझने वाला है, ओके? सो इन दैट वीडियो हम लोग ने देखे थे कि डेरिवेटिव होता क्या है, देन वी सॉ सम फॉर्मुलेज एंड ऑल, फॉर्मुलेज देखे हम लोग ने कुछ सम सॉल्व किए, एंड फिर हम लोग ने डेरिवेटिव के टू रूल्स देखे। रूल्स वन, डी बाई डी एक्स ऑफ, रूल वन, दिस इज द रूल वन, डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी, सो यू डी बाई डी एक्स ऑफ वी प्लस वी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ यू, फिर यू अपॉन वी हम लोग ने देखे, और बच्चों हम लोग ने इस पर सम भी सॉल्व किए कुछ 4-5 सम। Now we will see how to solve the sum on derivative laws 2, which is what? What is derivative laws 2? It says if d by dx of u upon v is there, so we have to write v d by dx of u minus u into d by dx of v upon v ka square. So ye wo form mein lag raha hai kya? U upon v, just see, this is nothing but u, aur ye niche wala kya hai? V. Now we have to solve. They will ask you ki differentiate with respect to x. So I am differentiating with respect to x. Differentiate with respect to x. So I am differentiating, okay? So I will be writing dy by dx. Whenever I am differentiating, I have to write dy by dx. So d by dx of sin x upon cos x. U upon v na? So what we have to write? V, which is cos x, into d by dx of u, which is nothing but sin x. यहाँ पे then we have to write minus यहाँ पे भी देखते रहना ये rule, minus u, which is first one, वही sin x, into d by dx of v, which is nothing but cos x upon cos x का the whole square. Now this is the way we have to do. So now I'll be solving this. ये cos x derivative के बाहर है, तो I don't have to do anything. So I will write as it is, cos x d by dx of sin x, come over here and see d by dx of sin x, d by dx of sin x I have not written over here, so I will be writing d by dx of sin x is nothing but what? Cos x. So d by dx of sin x क्या हो जाएगा? Cos x. तो ये पूरा खत्म, फिर माइनस साइन एक्स एज इट इज, व्हाट अबाउट डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, माइनस साइन एक्स ना, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, वेन एवर आई एम कमिंग अक्रॉस सी इन डेरिवेटिव आई हैव टू राइट माइनस, सो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, आई कैन टेक दिस इन साइड, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस, और साइन एक्स इंटू साइन एक्स क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स. बेटे वी नो, व्हाट वी नो? बाय आइडेंटिटी. आइडेंटिटी क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू नथिंग बट सेक्स स्क्वायर थीटा, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा. सो इसमें से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, कैन आई सी ओवर हियर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको खाली इधर उधर लिखा है तो चलेगा. सो ये हो गया मेरा पूरा व्हाट, दिस इज माय नथिंग बट वन, सो वन अपॉन कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. ए व्हाट इज वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा? वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट सेक स्क्वायर थीटा. सो दिस इज योर फाइनल आंसर. पॉज द वीडियो और राइट इट क्विकली. ओके, नाउ आई विल बी सॉल्विंग द एक और एक्स का एग्जाम्पल लेते, उसके बाद ये आप लोग का हो जाएगा. दिस ऑल आर बेसिक्स, दिस ऑल आर बेसिक, यू डोंट हैव टू वेस्ट मच ऑफ योर टाइम. ओके, मैं आप लोग को ये टाइप के होमवर्क भी भेजने वाला हूँ एक साथ. प्रीवियस में होमवर्क नहीं भेजा था क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट नहीं कवर हुए थे. एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, यही है क्या? एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन. अगेन कैन यू सी ओवर हियर, दिस इज नथिंग बट वॉट?
this is u and this particular term is your v. So u upon v. So v d by dx of u minus u into d by dx of v upon v square. यही लिखा हुआ है. So चलो, I will differentiate with respect to x. So I'll be writing dy by dx equal to what? V, which is x square minus 1 into d by dx of what? U, which is x ka square plus, minus x square into d by dx of v, which is nothing but x square minus 1 upon x square minus 1 the whole square, which is v ka square. Okay, fine. X square minus 1 derivative के बाहर है, तो I don't have to do anything over here. उसको ऐसे ही लिख दूंगा. और d by dx of x का square, x raised to n is nothing but n into x raised to n minus 1. अब तो आप लोग ने बहुत कर दिया. N into x raised to n minus 1. 2 minus 1 is 1. So can I write 1 just? If I will not write that, then also it doesn't matter at all. So x square हो गया बाहर. और d by dx of x square. d by dx of x square n into x raised to n minus 1. So वापिस से ये क्या हो गया, 1. If I am not writing also it is fine. और d by dx of constant क्या होता है, d by dx of constant is 0. Any constant if it is coming 1, 2, 3, 4 उसका answer होता है 0, मतलब minus 1 के वो side वाला खतम. So this is your final answer. That's it, you don't have to do anything. 2x बाहर निकालना है तो निकाल लो. So dy by dx equal to 2x d by dx of, अच्छा denominator, this is most important thing. ये लोग क्या करते हैं, ये denominator बहुत सारे लोग भूल जाते हैं कि v का square भी है नीचे. तो you have to write this x square minus 1 the whole square. ठीक है, ये denominator नहीं भूलना है, बस खत्म. ऊपर ले लो 2x, बाहर ले लो 2x into x square minus 1 minus x square upon x square minus 1 the whole square. This is your final answer. Pause the video and jot it down quickly. Okay, we are moving forward. Now we are coming on to the important type. Ab dheere aap log ke types इंक्रीज होते जाएंगे और अच्छे सम्स अब आएंगे. सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड लेट अस अंडरस्टैंड वन कॉन्सेप्ट, कंपोजिट फंक्शन. व्हाट? कंपोजिट फंक्शन. ये ध्यान से देखना है बिकॉज बहुत बार ये रिपीट होने वाला है. कंपोजिट फंक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय कंपोजिट फंक्शन? So before knowing composite function, we must know ना कि what is normal function then. Normal function मालूम चलेगा तो पता चलेगा ना what is composite one. Normal function. This is my composite function. Very easy. See now. What is normal function? जो अब तक हम लोग derivate करते आ रहे थे, that was the normal function. Let's say for an example, y equal to x का cube, y equal to e raised to x. ये क्या अपना? This is the normal one. And what is the composite? Let's see कि y equal to, I am not writing just x. वो आपको function के अंदर कुछ increase करके देगा. So x के जगह पे, सिर्फ x के जगह पे उसने 2x plus 3 भी दे दिया. Raise to 3 ऐसे लिख दिया. So whenever they are writing instead of writing only x, if they are giving you so many stuff over here, so that is composite function. जैसे एक e raise to x है बेटे, यहाँ पे only e raise to x है और यहाँ पे क्या है, e raise to sin x. तो x के जगह पे कुछ extra आ गया ना, sin x. Let's say कि y equal to e raise to sin x plus 3. यहाँ रहना चाहिए था सिर्फ x. ला दिया उसने sin x plus 3. So this is not a normal function now. This is known as what? Composite function. Just pause the video and write this. This is very important. Column बना के ही लिखना. Okay? Now I'm moving forward to solve this question. Now how to solve composite function? बहुत सारे आपको बड़े-बड़े name लिखेंगे, chain rule and all. Just forget about it. जैसा मैं बोलता हूँ वैसे करते जाओ. File 3.
sums on composite. Don't complicate maths. Easily we have to do. Easy way mein that I have done, I have segregated everything. This is the way we have to study. Let's say the first question they are asking you, composite function ka y equal to 2x plus 3 the whole cube. वही जो पहले मैंने आपको दिया था. Okay. So now how to do? सबसे पहले तो normal और composite के difference आपको मालूम चल गए. Now you are writing they are giving you the composite one. Now we have to solve this. So I will be writing differentiate what? Differentiate with respect to x. So I am writing dy by dx equal to. Now again what you have to do, consider isko pura starting mein consider karo ki this entire is x. So if this entire is x, so can I say this is nothing but x raised to n? What is the formula for that? N into x raised to n minus 1. Khali utna aap consider karo abhi ke liye. So I will be writing 3 into x, x ke jagah pe ye extra hai 2x. Okay, so what we are writing, if I am considering this as x, so ye kya ho jayega? X n into x raised to n minus 1. So 3 into n into x raised to n minus 1. अच्छा, तो तुम लोग बोलोगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट वन एंड द सेकंड वन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल एंड द कंपोजिट. ये डिफरेंस है बेटे कि जो भी यहां पे एक्स्ट्रा आ गया, यहां पे सिर्फ एक्स रहना चाहिए था, बट दे आर गिविंग यू दिस मच ऑफ एक्स्ट्रा ना. सो दिस एक्स्ट्रा को यू हैव टू डिफरेंशिएट अगेन. कैसे? अगेन d / dx ऑफ व्हाटएवर एक्स्ट्रा दे आर गिविंग, दे आर गिविंग यू 2x + 3. समझेगा? वेट, और दो तीन सम करूंगा तो अपने आप समझ जाएगा. 3 माइनस 1 2. अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो d / dx ऑफ 2x ना, सो 2 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और d / dx ऑफ x आई विल बी राइटिंग प्लस d / dx ऑफ व्हाट दिस 3 आई विल बी राइटिंग. 3 कांस्टेंट है उसका तो 0 हो गया, तो ये तो खत्म ही हो गया. और d / dx ऑफ x क्या हो जाएगा? 1. सो वो मैं वापस से लिख देता हूं, 3 into 2x plus 3 raised to 2 into 2 into d / dx ऑफ x क्या होता है? 1. तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर. इफ यू वांट टू मल्टीप्लाई दिस यू कैन मल्टीप्लाई, 2 into 1 2 ही होता है, 3 2 जा 6. सो ये क्या हो गया? 6 into 2x plus 3 raised to 2. दिस इज योर dy / dx. अच्छा, एक और सम ले लेता हूं, एक साथ दोनों पॉज करके लिखना, y equal to d raised to sin x. ओके, या ये तो नॉर्मल है या कंपोजिट है? वेरी गुड, कंपोजिट है. व्हाई? बिकॉज यहां पे सिर्फ रहना चाहिए था x, और यहां पे एक्स्ट्रा क्या है? sin x हो गया. सो आई विल बी राइटिंग डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछेगा बोर्ड्स के अंदर. सो dy/dx इक्वल टू e raised to x का आंसर क्या होता है? e raised to x. सो यू विल राइट एज इट इज, e raised to x का आंसर e raised to x, तो e raised to sin x हो गया. बट what is extra over here, instead and in spite of x they have given you this, so you will differentiate that extra again. Okay, so ये हो गया e raised to sin x into what is dy dx of sin x, cos x, वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा. So this is my final answer. Pause करो और दोनों लिखो फटाक से. Question is y equal to under root of sin x. Okay, can I say this is again a composite function? Why? Because we have formula d / dx of root x 1 upon 2 root x. यहाँ पे भी d / dx of root x क्या होता है? यहाँ पे देख लो, d / dx of root x 1 upon 2 root x.
यहाँ पे रूट के अंदर सिर्फ x रहना चाहिए था, they have written you sin x, so this is composite, and when I am differentiating this, differentiate with respect to x, तो मुझे मिलेगा dy by dx. What is dy dx of root x? 1 upon 2 root x, so I will be writing 1 upon 2 root sin x, but this sin x is extra, so again differentiate, again you will be differentiating dy dx of only that extra term sin x. So ये हो गया 1 upon 2 root sin x और dy dx of sin x क्या होता है? cos x, so that cos x I will be writing over here. ये multiplication में है तो ऊपर आ जाएगा cos x upon 2 root sin x. सबको समझ रहा है? जो भी डाउट रहेगा प्लीज मेरे से पूछना. आप लोग मेरे सामने नहीं हो तो आई डोंट नो यू आर गेटिंग इट और नॉट. आई होप कि आप लोग सबको समझ में आ रहा है. द नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम डूइंग 10 ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2. 10 ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2. अगेन आई विल से दे हैव गिवन यू दिस, सो आई विल से डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. ओके, this instead of 10x, x के जगह this all is extra ना, this is extra over here. So I will say what, differentiate with respect to x. So dy by dx of a, what is dy dx of 10x? Sec square x. D by dx of 10x is nothing but sec square x. So I will be writing over here sec square x के जगह जितना है that all I will write. But whatever is extra, I will differentiate that extra again. So I am differentiating 3x square plus 2. So यहाँ पे क्या हो जाएगा? Sec square 3x square plus 2. यहाँ पे 3 extra है ना बेटे? 3 आ गया बाहर. And dy dx of I will be writing 3 आ गया बाहर. And dy dx of x square plus dy dx of 2, okay? So sec square 3 x square plus 2, ये 3 बाहर है, dy dx of x square is nothing but 2x plus dy dx of constant, तो ये हो गया 0, so if I will not write also, it's fine. So this is my final answer. Pause the video and write it quickly. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपोजिट फंक्शन को पूरा अच्छे से समझ लेते हैं क्योंकि आगे बार 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 रिपीट होगा एंड इफ यू डोंट नो हियर तो वहां पे भी आपको प्रॉब्लम हो जाएगा. तो ध्यान से देखो, अच्छे से समझ लो इसको. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, y इक्वल टू 3x रेस टू 4 माइनस 7x प्लस 5 raise to 4. Now you will be writing differentiate with respect to x. So I will be writing dy by dx equal to 3x raise to 4 minus 7x plus 5 raise to 4. So this is nothing but ये पूरा x है और ये raise to 4, तो ये क्या हो गया? X raise to n. What is the formula of that? 4 into n into x raise to n into x raise to x के जगह पूरा यही है n into x raise to n minus 1. Then what is the difference between the normal and this one? The difference is that whatever the extra, you have to differentiate that extra को again. So I am differentiating ना 7x plus 5. So I will be writing again here 4 into 3 x raise to 4 minus 7x plus 5 raise to 4 minus 1 is nothing but 3. Constant will come out of derivative. Dy dx of x raised to 4 minus 7 will come out of derivative because it is constant. Dy dx of x plus dy dx of constant, you know that is 0. Again I will be writing 4 into 3 x raised to 4 minus 7x plus 5 raised to 3. 3 into x raised to n. N into x raised to n minus 1. 4 minus 1 what? 3. Minus 7 into dy dx of x. What is dy dx of x?
1 d by dx of constant 0, ये पूरा entire is nothing but what your final answer. बस खत्म. You can write 4 3s are 12 over here, multiply करके. के ऊपर मैं बहुत सारे आपको एग्जांपल देने वाला हूं प्रैक्टिस करने के लिए कंपोजिट फंक्शन के ऊपर. ए हाउ वी विल सॉल्व दिस वन, y इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 5 द होल स्क्वायर. एनी वन ऑफ यू पॉज द वीडियो एंड ट्राई. देखो तो आता है क्या तुम लोगों को. अगेन वी विल राइट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, so I will be writing dy by dx equal to. ये कोई फॉर्मूले में मैच तो हो नहीं रहा है, so we will make one of them. How to make that? If I will shift this from denominator to numerator, तो वो x plus 5 degree नीचे पॉजिटिव है, ऊपर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2. कहने से एक फॉर्मूले बन गया, कौन सा बन गया, फर्स्ट वाला बन गया, x raised to n, है ना. So you will be writing x raised to n का फॉर्मूले बन गया. So you will be writing यहाँ पे पहले लिखना नहीं, don't write differentiate with respect to x, पहले उसको बना लो. So y equal to x plus 5 raised to minus 2. Now differentiate with respect to x. So I will be writing dy by dx equal to n minus 2 ऊपर है, n into x, x raised to n minus 1. So minus 2 माइनस वन ऑलरेडी माइनस टू है, बट वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल एंड द कंपोजिट. दिस इज कंपोजिट बिकॉज दिस हैव अदर देन एक्स, तो अदर देन एक्स को आई विल बी डिफरेंशिएटिंग अगेन. सो आई विल बी राइटिंग दिस माइनस टू इंटू एक्स प्लस 5 रेस टू माइनस 3. वॉट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1, वॉट इज डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट 0, खत्म. डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या था 1. सो दिस इज योर फाइनल आंसर. कैन एनी वन सॉल्व दिस वाला क्वेश्चन? 1 upon under root of 2x square minus 5x plus c, 1 upon under root of 2x square minus 5x plus 7. Any one of you just pause the video and try it out. Check it out, क्या आता है कि नहीं आप लोगों को. Again, this is none of the formula from this. So we have to make one formula from this. How to make one formula? So I will be writing what? 1 upon, if I am writing like this, 2x square minus 5x plus 7 raised to half. Can I write this? Yeah, root ko bahar lagaenge to half hota hai. Now I will shift this half pura from denominator to numerator. When I am shifting, to ye kya ho jayega? 2x square minus 5x plus 7 raised to minus हाफ, ऊपर जाके यहां पॉजिटिव था, ऊपर जाके नेगेटिव हो गया. नाउ आई विल डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. सो आई विल बी राइटिंग डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एन इंटू एन इज माइनस हाफ, दिस इज एक्स रेस टू एन. सो एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन, माइनस हाफ माइनस वन. ओके, व्हाट इज देन एक्स्ट्रा ओवर हियर? ये पूरा एक्स रहना चाहिए था, एक्स के जब इतने सारे टर्म है, दिस इज नथिंग बट एक्स्ट्रा. सो आई विल बी डिफरेंशिएटिंग दैट वंस मोर, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7. सो अगेन आई होप ये दिख रहा है नीचे. ओके, सो माइनस हाफ इंटू 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 रेस टू माइनस हाफ माइनस 1. जिसको प्रॉब्लम होगा वो भी देख लो, माइनस हाफ माइनस 1. कहने राइट 1 ओवर हियर, 1 इंटू 1 माइनस 1, 2 इंटू 1 माइनस 2 अपॉन 2 इंटू 1 2. सो ये क्या हो गया माइनस 3 बाई 2, कुछ नहीं किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया. सो यू विल बी राइटिंग ओवर हियर माइनस 3 बाई 2. ओके, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2 एक्स स्क्वायर, तो 2 कॉन्स्टेंट था बेटे बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x हो गया. नाउ यू नो डेरिवेटिव, सो एक्स स्क्वायर का n इंटू एक्स रेस टू n माइनस 1 ना, तो 2 इंटू एक्स रेस टू 2 माइनस 1, तो हो गया 1. माइनस 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स,
what is d by dx of x? If I will write d by dx of x, वो क्या होता है? 1 होता है. So I will write 1 पहले ही. D by dx of constant 0 खत्म. This is your final answer. So dy by dx equal to minus half into 2x square minus 5x plus 7 raised to minus 3 by 2 into, this is 2 into 2, 4x minus 5. This is the final answer of yours. Pause the video and write it, jot it down quickly. Okay, so that was all about composing function. आज मैं आप लोग को अच्छे खासे homework sheet बना के देने वाला हूँ on composite function. थोड़ा question को tilt करूँगा, घुमाऊँगा, so you don't have to scared. ऐसा डर नहीं जाने का, just try. नहीं आता तो मुझे पूछो, मैं उसको solve करके आप लोग को भेज दूँगा. Okay? Now we will moving further to file 4, which is sums on rationalizing. Sums on rationalizing, how to do? Just see. We must know file 3. Composite function नहीं आएगा तो ये आएगा ही नहीं. The first question I am writing of rationalizing 1 upon under root of 3x minus 1 minus under root of 3x minus 5. So now I have to rationalize this. How to rationalize? First of all, I will be writing y equal to the given questions as it is 3x minus 1 minus under root of 3x minus 5. How to do rationalize? When to do rationalize? Jab bhi you are watching 2 term in the denominator with plus or minus in between and root behaves ke saath, most of the time we will rationalize. Almost all of the time, every time we will rationalize. So how to rationalize? See, आठवीं से देखते आ रहे तुम लोग. You just have to write same 3x minus 1. यहाँ पे minus है, so I will be writing here plus. अगर वहाँ plus रहता, तो I will be writing over here minus 3x minus 5. So when I am writing this, rationalize देखो कैसे करते हैं. What is the logic behind this? When I am writing this particular stuff over here, so can I say मैंने sum को change कर दिया? ये तो यहाँ पे था ही नहीं ना, मैंने यहाँ पे लाके पूरे सम को क्या किया, चेंज कर दिया. And remember from today and now onwards, you can never change the sum in mathematics. So sir, what I can do? Yeah, you can manipulate it, you can modify it, but you cannot change it. So sir, आपने तो चेंज किया ना, I am not changing it. See, can I write again ऊपर 3x minus 1 plus under root of 3x minus 5, यही है. So can I say बेटे कि मैंने अभी आप लोगों को बोला कि you cannot change the sum in mathematics, you can only manipulate it or modify it. So see ना, मैंने ये पूरा नीचे as it is लिखा, वही पूरा ऊपर as it is लिखा. So can I say कि जब मैं cancel करूँगा ये, तो पूरा ये हट गया कि because 1 तो पहले से ही था ना वहाँ पे, ये पूरा cancel out हो जाएगा और 1 already वहाँ पे था. So मैंने इसको सिर्फ manipulate किया है, change नहीं किया. ये manipulation करने से वो क्या क्या जरा देखो, कितना इजी हो गया सम. y equal to 1 into this particular stuff पूरा ऊपर का, 1 into this entire stuff is nothing but that only. So I will be writing 3x minus 1 plus under root of 3x minus 5. Okay, now observe. This is nothing but, if I will say कि ये मेरा a है, this is my a, this is my b, this is my a and this is my b. So this is what a minus b into a plus b, a minus b into a plus b. What is the formula of a minus b into a plus b? A square minus b square. So a minus b into a plus b. So what I will write? A square, so root 3x minus 1 the whole square. A minus b into a plus b का formula, a square minus b square minus b square. तो b का a under root of 3x minus 1 the whole square minus 5 the whole square. Sorry, इतना समझ में आ गया. Now you know ना कि root and square get cancel each other.
दे कैंसिल इच अदर, सो ये इसको इसको कैंसिल किया, इसको इसको कैंसिल किया, तो ऊपर क्या बचा, ऊपर एज इट इज 3x माइनस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 5 अपॉन अपॉन व्हाट, ये कैंसिल हो गया तो बचा क्या, खाली 3x माइनस 1, डोंट फॉरगेट अबाउट द ब्रैकेट ओवर हियर, यहां पे क्या बचा 3x माइनस 5, ठीक है, जिसको मैं बोलूं y इक्वल टू 3x माइनस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 5, ठीक है, ऑब्जर्व 3x माइनस 1 ऐसे ही रहेगा, माइनस अंदर जाएगा, सो 3x माइनस 1 एज इट इज, माइनस अंदर क्या बचे तो ये प्लस था, प्लस माइनस 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 3x हो गया, माइनस 3x हो गया, ये माइनस अंदर गया तो माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस 5 हो गया, सो आई विल बी राइटिंग, सब फर्स्ट ऑफ ऑल ये 3x, ये 3x प्लस माइनस कैंसिल एंड 5 माइनस 1 4, तो नीचे बचा 4, दैट 4 को 1 बाई 4 मैंने बाहर निकाल दिया और ऊपर क्या बच गया 3x, इफ यू आर नॉट गेटिंग इट वापस ले लेता हूं, 3x माइनस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 5 अपॉन 5 माइनस 1 4, राइट, अब ये 4 को मैं बाहर निकालूंगा बिकॉज दैट इज कॉन्स्टेंट, अब नाउ दिस इज द टाइम टू डिफरेंशिएट, फर्स्ट ऑफ ऑल ये राइट, ये लिख लो आप फटाक से, लिख लिए, वेरी गुड, आई एम राइटिंग दिस अगेन, सो y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 5 अपॉन 4, ये अपने को मिला है, फॉरगेट अबाउट दिस नाउ, ओके, now I am in the position of differentiating, so I will differentiate with respect to x, so I will be writing dy by dx equal to 1 by 4 constant hai, 1 by 4 aa gaya bahar, I will differentiate dy by dx of under root of 3x minus 1 plus dy by dx of under root of 3x minus 5, okay, so 1 by 4, what is d by dx of root x, 1 upon 2 root x, right, d by dx of is root x is 1 upon 2 root x, so 1 upon 3x minus 1 into, ये पूरा अंदर का extra था, so I will be writing, अच्छा इसको एक अलग way में कराओ, you want to do this in different stuff, चलो, can I write d by d, 1 by 4 ये ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं d by dx of 3x minus 1 raised to half, I can write this ना, दूसरा वाला फॉर्मूला ज्यादा अच्छा लगता है, तो फिर d by dx of 3x minus 5 raised to half, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, तो अब ये क्या हो गया, x raised to n हो गया, x raised to n हो गया, वैसे करना था तो 1 upon 2 root x, दोनों का आंसर सेम आएगा, I will write 1 by 4 into n into x raised to n minus 1 na? So n into x raised to, ye pura x hai, raised to n into x raised to n minus 1, so half minus 1 plus n into x raised to n minus 1, okay, fine, 1 by 4 बाहर आ गया पहले से ही, ये half as it is, ये 3x minus 1, 3x minus 1 is, what is half minus 1, half में से minus 1 निकालोगे तो minus half बचेगा, लेकिन देख लो कैसे 1 into 1, 1 और 2 into minus 2, minus 1 minus 2, 2 into 1, 2, तो ये क्या बचा minus 1 by 2, तो यहां का आंसर क्या आएगा minus half plus half into 3x minus 5 raised to minus half. Now you don't need to do anything else. This is your final answer. So dy by dx equal to 1 by 4. Half formula likhna hai to likhalo. Half bar aa sakta hai dono ka.
अंदर क्या हो जाएगा 3x माइनस 1 रेस टू माइनस हाफ प्लस 3x माइनस 5 रेस टू माइनस हाफ, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई 4 इंटू 2 8 3x माइनस 1 रेस टू माइनस हाफ प्लस 3x माइनस 5 रेस टू माइनस हाफ dy बाई dx। पॉज द वीडियो, राइट इट क्विकली।